तो कुछ इस तरीके से फ्यूल डलने वाला इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर चार्जिंग होने वाली है। चार चार्जिंग ऑप्शंस के साथ में आती है टाटा की ये टियागो इलेक्ट्रिक। शुरुआती कीमत जो टाटा टियागो इलेक्ट्रिक की वो सिर्फ 8.5 लाख रुपये रखी है। टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट इसका कॉस्ट करता है जो गाड़ी हम आज चला रहे हैं 11.8 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम न्यू दिल्ली। बात कर लेते हैं सबसे पहले बूट स्पेस कैसा मिल जाता है और जो चार्जर है वो कितना स्पेस कैरी करता है बूट के अंदर। ये है वो पोर्टेबल चार्जर, छोटा सा चार्जर है, कुछ ही साइज का। ओला इलेक्ट्रिक जो हमने चलाया था लास्ट वीक उसमें इससे डबल ट्रिपल साइज का चार्जर था। और बूट स्पेस में आपको दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से हमने दो बैग्स रखे हैं, एक ये बैग है, एक ये बड़ा बैग है, यहाँ चार्जर है, थोड़ा बहुत स्पेस है, बूट स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम करने क्या वाले हैं, करने वाले हैं हम इसका रेंज टेस्ट। 100% गाड़ी अभी चार्ज कर ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ चार्जिंग। गाड़ी 100% चार्ज है। इसका ट्रिप ए हमने 0 पे सेट कर दिया है, ट्रिप बी भी इसका 0 के ऊपर है। शुरुआत करते हैं अभी इस रेंज टेस्ट के साथ में। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा। आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नेक्सॉन ईवी मैक्स का भी एक डिटेल्ड रेंज टेस्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने गाड़ी को 100 से 0% तक डिस्चार्ज कराया है और आपको बताया कि कितने किलोमीटर चलती है वो एक फुल चार्ज के अंदर। तो गाड़ी को लेकर निकल चुके हैं हम गोवा की सड़कों के ऊपर। सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं सड़कों के ऊपर, खाली पड़े हैं बिल्कुल रोड्स। बट 6% बैटरी इसकी कंज्यूम हो गई है और 6% में गाड़ी चली है सिर्फ 8 किलोमीटर। ब्रेकर हालांकि काफ़ी ज़्यादा थे बट ट्रैफिक नहीं था, हम कहीं खड़े नहीं रहे एसी को ऑन करके। गाड़ी की एसी थ्रू आउट द ड्राइव ऑन रहने वाली है इस रेंज टेस्ट के लिए। और ब्रेक रीजनरेशन जो मोड है वो हमने सेट किया हुआ है 3 के ऊपर। और अब हम आ गए हाईवे के ऊपर, यहाँ पर हम गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं 70 की स्पीड से। और बात करें चलाने में कैसी है, तो ड्राइवर सीट पर जैसे मैं बैठा हूँ ना फील नहीं हो रहा कि मैं एक एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। वेट काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है और वो सारा वेट फील हो रहा है ड्राइवर की सीट के नीचे, मेरी सीट के नीचे। तो उस मामले में ये गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। स्टेयरिंग फीडबैक काफ़ी अच्छा है, अच्छा खासा वेट डाला गया है स्टेयरिंग के अंदर। हालाँकि बॉडी रोल तो थोड़ा बहुत रहने वाला है। साइलेंट है NVH क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कोई शोर शराबा इंजन नॉइज़ तो है नहीं केबिन के अंदर। बाहर की जो टायर नॉइस वगैरह भी है ना वो उतने अच्छे से अंदर फिल्टर नहीं हो रही है, काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया गया है उसको। तो NVH लेवल काफ़ी अच्छा है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है ना, आपको ड्राइव करते समय फील होने वाला है। और जो सबसे कमाल की चीज़ मुझे इस सीट के ऊपर जब ड्राइव कर रहा हूँ तो लग रही है ना, वो इसकी जो ग्रिप है ना स्टीयरिंग की, ये है लेदर रैपिंग की गई, कमाल की मोटाई रखी गई है। होल्ड करने में ना एक मज़ेदार आपको फील आने वाली है इस गाड़ी को ड्राइव करते समय। और चूँकि ये इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पर एक तरह का ऑटोमेटिक ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लच वगैरह नहीं आती है, सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक दो ही चीज़ें आती हैं। तो एक ऑटोमेटिक गाड़ी है। और अगर आप बेस वेरिएंट की बात करेंगे ना तो 8.5 लाख रुपए में आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी मिल रही है जो सिर्फ 19 यूनिट का खर्चा लगभग आता है 120 रुपए के आसपास। 120 रुपए में जो क्लेम्ड रेंज है उसकी 260 किलोमीटर के आसपास ऑफर करती है वो गाड़ी। उस वाली गाड़ी के अंदर जो बेस वेरियंट है उसमें आता है 45 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर जो 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। और ये जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसके अंदर आपको मिल जाती है 55 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर जो तकरीबन 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करती है। रेंज इस वेरिएंट की क्लेम्ड है 315 किलोमीटर। और जिस हिसाब का वेट है ना उस हिसाब की आपको ब्रेकिंग मिलने वाली, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी इस गाड़ी की। हालाँकि बहुत ज़्यादा ब्रेक आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है रीजनरेशन मोड में, बट सिटी ट्रैफिक कंडीशन के अंदर आपको फील नहीं होगा कि रीजनरेशन मोड 3 के अंदर भी उतने अच्छे से काम कर रहा है। हालांकि आप हाईवे पे जैसे आप एक्सीलेटर छोड़ते हैं तो आपको दिखाई देता है कि हाँ अब इसका बैटरी इसने चार्ज करना चालू कर दिया है। सिटी में ऐसा कोई डिफरेंस आपको बड़ा फील नहीं होता है कि आपने एक्सीलेटर से पैर हटाया और गाड़ी रुक रही हो, कंटिन्यूसली गाड़ी चलती रहती है। तो हो सकता है स्पीड इसमें कुछ फैक्टर ऐड किया कंपनी ने कि इस स्पीड के ऊपर रीजनरेशन अच्छे से काम करेगा। साथ साथ बाकी सारे पार्ट्स तो आपको टियागो की जो पेट्रोल वर्जन है वैसी दिखाई देने वाली है। फुल डिजिटल स्पीडो कंसोल लगाया गया है, ऑटो क्लाइमेटिक एसी मिलने वाला है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ में, आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, ऑल 4 पावर विंडोज, रिमोट सेंटर लॉकिंग, पुश स्टार्ट बटन, पीसी आपको डिफोगर मिलने वाला है, अच्छा खासा बूट स्पेस मिलने वाला है। ड्राइवर सीट के ऊपर हेडरूम अच्छा है, शोल्डर रूम भी ठीक ठाक है, सीट हालांकि थोड़ी सी छोटी है बट हेडरेस्ट एडजस्टेबल रखा गया है तो आप ऊपर कर सकते हैं। हेडरूम आपको दिखाऊं तो
सीट को भी मैंने बिल्कुल नीचे सेट किया हुआ है, उसके बाद भी लगभग दो इंच के आसपास का स्पेस मुझे हेडरूम के रूप में मिल रहा है गाड़ी के अंदर। अब 88% बैटरी बची है, गाड़ी चली है 11:39, तो तकरीबन हम गाड़ी को ड्राइव कर चुके हैं 21 किलोमीटर 12% बैटरी में। तो सिटी से जैसे हाईवे पे निकल कर आयो ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी रेंज अच्छी मिलनी चालू हुई है, सिटी में बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी। और गाड़ी चल गई है पूरे 100 किलोमीटर्स, बैटरी कंज्यूम की है, यहाँ पे बैटरी है 51%, तो 49% कंज्यूम हो गई है। 49% कंज्यूम होने के बाद गाड़ी 100 किलोमीटर चली है, और 100 में से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स प्योर हाईवे के ऊपर 70 से ऊपर की स्पीड में मैंने गाड़ी को ड्राइव किया है। सीटिंग कंफर्ट की मैं बात करूं तो 100 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव कर चुका हूं, मुझे बैक पेन होना चालू हो गया है। अगर आपको डेली 60-70-80 किलोमीटर टाइप की गाड़ी चलानी है, कभी लंबी ट्रिप पे जाना है, तो अगर 100 किलोमीटर तक जाना है तो कंफर्टेबली आप पहुँच पाएंगे, उसके ऊपर जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पेन होने लग जाएगा। मुझे अब लग रहा है कि थोड़ा सा इसका बैक स्पोर्ट कुछ इस वाले एरिए से ना, यहाँ से थोड़ा सा और अगर बेटर होता सीट के अंदर तो ज़्यादा कंफर्टेबली मैं जा पाता। वहीं एक चीज़ माननी पड़ेगी, जो ड्राइव है ना इस गाड़ी की, काफ़ी प्लांटेड है, बिल्कुल चिपक कर चल रही है। बैटरी का जो वेट ऐड किया गया उसकी बदौलत ड्राइव काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। हालांकि बॉडी रोल तो आपको मिलने वाला है ड्राइवर सीट के ऊपर भी और पीछे भी काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, बट इस सेगमेंट की अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो सिटी में ही मोस्टली आप चलाने वाले हैं, हाईवे के ऊपर लॉन्ग ड्राइव के ऊपर बहुत रेयरली होगा, और इलेक्ट्रिक गाड़ी को तो बहुत रेयरली ही कोई लंबी ड्राइव के ऊपर लेकर जाता है। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि आप हमारे चैनल के ऊपर नेक्सोन इलेक्ट्रिक का डेली जयपुर डेली रेंज टेस्ट, ऑडी ईट्रॉन का रेंज टेस्ट, उसके अलावा टोयोटा हाई राइडर, टोयोटा हाई क्रॉस, मारुति ब्रेजा, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा अमेज जैसी गाड़ियों के माइलेज टेस्ट आप देख सकते हैं। डिटेल्ड माइलेज टेस्ट हैं, लगभग हर गाड़ी के 500 किलोमीटर से ऊपर हमने चलाकर वीडियो बनाए हैं। और उसके अलावा अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, किन्हीं 3 सब्सक्राइबर्स को गिव अवे के रूप में देने वाले हैं। 1 मिलियन का आंकड़ा हम जल्द छूने वाले हैं सब यूट्यूब के ऊपर, 1 मिलियन का जब आंकड़ा छूएंगे तो लकी ड्रॉ के थ्रू हम देने वाले हैं ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर, 1.5 मिलियन पे होंडा CB350 हाईनेस, और 2 मिलियन पे हम लेंगे रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350। तो रिक्वेस्ट रहेगी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा। राइड में एक और जो सस्पेंशन है ना, वो भी काफ़ी अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इतना वेट होने के बावजूद आपको अंदर जर्क्स वगैरह फील नहीं होते हैं आराम से। हाँ हालांकि बहुत बड़े पैच के ऊपर से जाएंगे जब ज़रूर आपको फील होने वाला है, बट सस्पेंशन इस गाड़ी के शुरू से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं, स्टीयरिंग फीडबैक शुरू से ही काफ़ी अच्छा रहा है, और अब इलेक्ट्रिक वर्जन के अंदर और मज़ेदार होगी ये गाड़ी चलाना। अब गाड़ी में जो बैटरी बची है ना वो बची है लगभग 21%, और मैं आ गया हूँ पीछे वाली सीट पर। अमित जी ड्राइव कर रहे हैं, अमित जी की हाइट है 5 फीट 10 इंच, ठीक ठीक लेगरूम है मेरी हाइट के पैसेंजर के लिए। पीछे हेडरूम ठीक है, हालांकि फिक्स रखा गया रियर हेडरेस्ट को, अगर इनको एडजस्टेबल रखा जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, अब ऐसे बैठना पड़ेगा आगे होकर। मेरी हाइट के पैसेंजर के लिए रियर सीट में कंफर्ट नहीं है, बट नॉर्मली छोटी गाड़ी है, आप आगे ही बैठने वाले हैं अगर आपकी हाइट मेरी जितनी है। पीछे लेडीज वगैरह आराम से बैठ पाएंगी, थाई स्पोर्ट ठीक है, सीट की साइज बड़ी है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है ब्लैक एंड बेज, और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा ऑफर कर देती है गाड़ी। रियर सीट के ऊपर भी ना आपको बड़ी गाड़ी वाली फील आ रही है, क्योंकि जो वेट का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ वो आपको पीछे भी फील हो रहा है कि हाँ गाड़ी एक हैवी गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं। सो अब बैटरी बची है 10%, एक ये आया है यहाँ पर टॉर्टोइज, अगर आप देखेंगे ना ये आ गया बना हुआ, इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी की एसी की कूलिंग चली गई है, अब गर्मी लगने लगी गाड़ी के अंदर, हल्की कूलिंग है, मतलब कूलिंग तो है बट हल्की है। दूसरा यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड में मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ डी से, तो ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है गियर शिफ्ट डिनाइड, तो आप ड्राइव से इसको स्पोर्ट्स मोड में नहीं डाल पाएंगे, और अब एसी कूलिंग बिल्कुल बंद हो गई, अब सिर्फ फैन चल रहा है गाड़ी के अंदर। तो लास्ट के 10% में ये कुछ होने वाला है हमारे साथ। 185.6 किलोमीटर हम गाड़ी को ड्राइव कर चुके हैं, समय हो गया 13:04, अब इस टॉर्टोइज मोड में किस स्पीड तक गाड़ी को लेकर जा सकते हैं वो मैं देखता हूँ। तो गाड़ी चली गई 50 की स्पीड पर, 51 52, ये थोड़ा सा डाउन ही ला गया मेरे हिसाब से, आप टॉर्टोइज में 50 से ऊपर की स्पीड में गाड़ी को नहीं लेकर जा पाएंगे।
सो 8% बैटरी बची है, एसी बिल्कुल बंद है, गर्मी बहुत तगड़ी है गोवा के अंदर। तो हमने क्या करा, हमने अपने ग्लासेस नीचे उतार लिए हैं गाड़ी के, तो हवा आ रही है और अब चला रहे हैं आराम से इसको। 7% बची है अब और 192.4 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो अब बैटरी बची है 5% और कंटिन्यूसली बीप बजना चालू होगी गाड़ी के अंदर कि चार्ज कीजिए, और गाड़ी चल गई पूरे 200 किलोमीटर। अब बची है जो बैटरी वो सिर्फ 3% बची है। थोड़ा सा और चला गया या ना चला गया बताइए। होटल तो ये रहा सामने, द बेस्ट इन, कमाल का होटल है, बट हम थोड़ा नीचे चलते हैं। पहले तो आप देख लीजिए कितनी चली है गाड़ी, गाड़ी चली है 202 किलोमीटर। दो भी नहीं, ऑलमोस्ट 1% ही बैटरी बची है, क्योंकि काफी देर से मैं 2% बैटरी का बाहर आ रहा है जब से गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। तो 200 किलोमीटर, 315 की क्लेम रेंज है, बट 200 किलोमीटर गाड़ी चल पाई है इस रेंज टेस्ट के दौरान। कैसी लगी आपकी वीडियो प्लीज कॉमेंट करके बताएं। अब हमें निकलना है एयरपोर्ट के लिए, लेट हो रहे हैं, फ्लाइट का टाइम हो गया, तो ज़्यादा बातें नहीं कर पाएंगे, बट 200 किलोमीटर तो आप चला सकते हैं। उसमें 20% सिटी, प्योर सिटी, 80% प्योर हाईवे, और हाईवे पे जो हमने स्पीड रखी है ना वो 70 से ऊपर ऊपर रखी है, 75-80। तो कुल मिलाकर 200 किलोमीटर की रेंज अगर आपको मिल जाए ना, और एक चार्ज के लिए आपका जो पैसा खर्च होने वाला है वो भी मैं बता देता हूँ, आपका खर्च होने वाला है तकरीबन 140 रुपये। 140 रुपये में 200 किलोमीटर आप गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी ये गाड़ी प्लीज कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव ही लेता है आपसे विदा, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।